आज के सबक में हम पढ़ेंगे मुरक्कब हरूफ, दो हर्फ जोड़कर एक हर्फ बनाना। हिंदी के वह अक्षर जिनके लिए उर्दू के दो अक्षर मिलाने पड़ते हैं तभी उनकी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे उर्दू का पे और दो चश्मी है, जोड़कर भा बनता है। ये दिख रहा है ना, हिंदी के अक्षर भा, फा, था, टा, झा, छा, धा, इनको बनाने के लिए हमें उर्दू के दो अक्षर जोड़ने पड़ते हैं। ये इड़ा, अड़ा, पड़ा, खा, घा, ये सब जो अक्षर है ना, ये कैसे बनेंगे? उर्दू के दो अक्षर जोड़ने के बाद इनकी आवाज़ें बनेंगी। तो चलिए देखते हैं। बे जमा दो चश्मी है, बना भा। पे जमा दो चश्मी है, बना फा। ते जमा दो चश्मी है, था। टे जमा दो चश्मी है, ठा। जीम जमा दो चश्मी है, झा। चे जमा दो चश्मी है, छा। दाल जमा दो चश्मी है, बना धा। टाल जमा दो चश्मी है, बराबर ढा। ड़े जमा दो चश्मी है, बना ड़ह। काफ जमा दो चश्मी है, बना खा। गाफ जमा दो चश्मी है, घा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि उर्दू के कौन से दो अक्षर मिलके हिंदी के इन अक्षरों की ध्वनियाँ बनाते हैं। जैसे देखा हमने भा की ध्वनि, फा की, था की, ठा की, झा की, छा, धा, ढा, ड़ा, खा, घा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है।